हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाए हैं वेजिटेबल पराठा, बिल्कुल ऐसे ही बनता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हम पहले एक बाउल लेंगे, इसमें हम 2 कप आटे भरेंगे। इसमें हम थोड़ा काला जीरा को करेंगे, अब थोड़ा सा अजवाइन पकाएंगे, अब हम इसमें थोड़ा नमक पकाएंगे, इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर पकाएंगे, अब हम इसमें 3 चम्मच ऑयल पकाएंगे, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी पकाएंगे और नॉर्मल रोटी के तरह गूंदेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा आटा गूंदना अब हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल पकाकर आधे घंटे के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए अब हम स्टफिंग के लिए मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए हम पहले बेसन करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लेकर जीरा डालेंगे, इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज, अब हम इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें सब्जी डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, गाजर, इसके बाद हम डालेंगे फूल गोभी। अब हम डालेंगे थोड़ा सा बीन, अब हम इसमें पकाएंगे थोड़ा सा पाउडर और धनिया पाउडर। थोड़ा सा हल्दी पाउडर। देखिए दोस्तों, हमारा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बॉयल्ड आलू। हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसको ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसको रोटी के तरह गोल गोल करेंगे। अब हम इसको रोटी के साइज में गोल गोल करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम इसको रोटी के तरह बेलेंगे और उसमें स्टफिंग भरेंगे। अब इसके साइड में थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। अब इसको फोल्ड करेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे।
अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको पकाएंगे।